वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रूफल केक विथ स्ट्रॉबेरीज। तो सबसे पहले हम उसके लिए बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो मैंने ये लिया है क्रीम, चॉकलेट को मैंने पहले से ही चॉप करके रख दिया है और अब मैं इसमें एक बाउल में ऐड करूँगी क्रीम, जो कि तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। अमूल क्रीम का पैकेट 200 ग्राम के करीब ही मिलता है, 200-250 ग्राम, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 200 ग्राम ही क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। और ये पैकेट को अच्छे से खोल के, इसके कॉर्नर्स खोल के शेक कर लेना है, जिससे कि जो उसमें जो भी पानी होता है वो मिक्स हो जाए। और क्रीम निकाल ली इस बाउल में और इस क्रीम को मैं करूँगी सिर्फ एक मिनट के लिए माइक्रोवेव। याद रखिएगा कि जब भी आप क्रीम को ऐसे गर्म करेंगे, माइक्रो करें या डबल बॉयलर करें, उसको एक मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें से घी के जैसे निकल आएगा। तो अब उस गर्म की क्रीम को मैंने ऐड करा है चॉकलेट में, जिसको चॉकलेट को भी मैंने पहले से ही थोड़ा मेल्ट करके रखा था, जिससे कि मुझे गनाश बनाने में आसानी हो। और वो गनाश मैंने एक रात पहले बना के फ्रिज में रखा था। ये रहा हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज बेस, इसको मैंने पहले शुगर सिरप से थोड़ा ड्रेंच किया है और अब इस पे जो हमने एक रात पहले ट्रूफल बना के रखा था वो अप्लाई करेंगे और स्प्रिंकल करेंगे हम सबकी और बच्चों की भी फेवरेट चॉको चिप्स। तो ये तो आप जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। इस प्रकार ही हम करेंगे इसकी दूसरी लेयर को भी तैयार। लेयर स्पॉन्ज आपने प्लेस करा एंड उसके ऊपर हम लगाएंगे ट्रूफल और ट्रूफल पर हम स्प्रिंकल करेंगे ढेर सारे चॉको चिप्स। बारी आती है लास्ट लेयर की, उसको भी हमने लास्ट लेयर को प्लेस करा और उसको शुगर सिरप से ड्रेंच करा। अब इसकी क्रीम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे डबल शेड चाहिए था, तो मैंने विप क्रीम के अंदर ही थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दिया विथ चॉकलेट एसेंस। तो इससे आएगा हमें डबल चॉकलेट का मज़ा और फ्लेवर टेस्ट भी। तो अब ये क्रीम में मेरे को लगा था कि थोड़ा सा रंग मुझे और चाहिए ब्राउन हल्का सा, तो मैंने थोड़े से कुछ ड्रॉप्स ब्राउन कलर के भी ऐड करी। और अब इस व्हिप क्रीम को हम अप्लाई करेंगे हमारे ट्रूफल जो हमने फिलिंग करके केक रखा था उसके ऊपर, उससे करेंगे हम इसकी आइसिंग। आइसिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है, जैसे जैसे आपका केक बनाने में हाथ बनता चला जाता है वैसे ही आप आइसिंग भी करना केक का इन्जॉय करते हैं। तो इसकी हम फटाफट से कर लेंगे आइसिंग। और आइसिंग करने के बाद डेफिनेटली मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी इस केक को चिल होने के लिए, क्योंकि केक जितना चिल होता है उतना ही आसान उस पर काम करना हो जाता है। इतने केक फ्रिज में चिल होता है, हम बना लेते हैं इसका चॉकलेट ड्रिप, जिसके लिए हमने जो गनाश बनाया था उसी में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है गर्म करके। गनाश हो गया एकदम लिक्विड, पोरेबल हो गया है। अब हमने जो वो फ्रिज में केक को चिल करा था उसके ऊपर हम ये चॉकलेट गनाश का ही जो हमने ड्रिप बनाया उसे पोर करेंगे। चिल केक है तो बहुत आसानी से ड्रिप बहुत आसानी से इस पर फैल जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट नीचे आया है उसे हाथ के हाथ क्लीन करते जाइए, नहीं तो चॉकलेट के निशान बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इस केक पे लगाएंगे हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज और ये कुछ ओरियोस। ओरियो आप कोई से भी पसंद के ले सकते हैं, वैसे तो मैं स्ट्रॉबेरी वाले ही लेना चाह रही थी लेकिन मुझे मार्केट में मिले नहीं, तो मैंने वो वनीला वाले ही प्लेस कर दिए। और ये है स्ट्रॉबेरी जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एकदम फ्रेश, आप इसकी लीव्स देख के पहचान सकते हैं कि कितनी एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं। तो अगर ये आपको लगा केक अच्छा सा मज़ेदार, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस हो गया ये केक रेडी, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन एन्जॉय एंड टेक केयर।